देखिए भाजपा के लोगों को छाती पर सांप लौट रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से उन लोगों की बेचैनी छा गई है। इसलिए ये लोग जो प्रयास लगा रहे हैं ना, ये मुंगेरी लाल का सीन सपना नहीं देखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि चिराग जी का है, उनका विपरीत बुद्धि जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे हैं और उसके बाद यह चर्चा तेज हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थामेंगे। दामन थामेंगे या नहीं थामेंगे ये तो कयास है, लेकिन चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान का एक ही कहना है कि जहां नीतीश कुमार वहां हम नहीं, तो चिराग पासवान का क्या होगा? और भी कई सवाल है हमारे साथ बात करने के लिए। साधु पासवान हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अगर चले जाते हैं, क्योंकि भाजपा के लोग काफ़ी खुश हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? जिस तरीके से नीतीश कुमार लौटे हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद से लगातार कयासों का बाजार गर्म है। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे और G20 का सम्मेलन वहाँ हुआ था। सभी कुछ राज्यों के भी मुख्यमंत्री गए थे वहाँ, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री गए, बहुत वहाँ CM गए थे। ऐसा प्रयास नहीं लगाना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग काफ़ी खुश हैं नीतीश कुमार के वहाँ आने के बाद। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं, नेताओं ने कहा है कि ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है नीतीश कुमार की, और जब जागो तभी सवेरा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए भाजपा के लोगों को छाती पर सांप लौट रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से उन लोगों की बेचैनी छा गई है। इसलिए ये लोग जो प्रयास लगा रहे हैं ना, ये मुंगेरी लाल का सीन सपना नहीं देखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। समय आने दीजिए, सभी लोग को अपनी औकात, राजनीतिक औकात पता चल जाएगी BJP के साथियों को। अच्छा, तो ये अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, हालांकि आप तो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा? वो तो कहते हैं जहां नीतीश कुमार वहां हम नहीं, फिर समझौता करेंगे जैसे चाचा से किए हैं। अब उनके मामले में ज़्यादातर हम नहीं बोलेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि चिराग जी का है, उनका विपरीत बुद्धि जी। अच्छा, एक सवाल यह है कि आप चिराग पासवान पर कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके और आपके नेता पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। बड़े भाई और छोटे भाई, बड़े भाई लालू यादव को और छोटे भाई नीतीश कुमार को बता रहे हैं, दोनों ने मिलकर 30 साल बिहार की जनता को ठगा है, ये बात कहा जा रहा है। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि चिराग पासवान पर नहीं बोलेंगे। मैंने ये, आपका जो सवाल था कि चिराग का क्या हल होगा, तो मैं उस पर बोला कि वो समझे ना कि क्या होगा। जहाँ तक हमारी सरकार पर वो सवाल दागते हैं, पहले वो अपना जमुई देखें ना कि जमुई का बद से बदतर स्थिति है। 10 साल में एक भी उद्योग नहीं लगे, एक भी पुल पुलिया नहीं बना। हाँ, इनके क्षेत्र में जो 1-2-3 गांव जो गोद लिए हैं, उस गोद गांव का क्या हुआ, चिराग जी से पूछिए ना पहले। जमुई के लोग इस बार इन्हें बैक टू पेमिलियन भेज रहे हैं, इसलिए चिराग जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष के साथी लोग हैं, बोलने दीजिए। क्या हुआ, अपने अपने आका से पूछे ना 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिला, अपने आका से पूछे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, भले इनको कहिए ना पूछने के लिए, तब बिहार पर ये नज़र रखेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल है, ED ने JDU MLC को गिरफ्तार कर लिया है। अभी चुनाव का मौसम है, अभी देखिए कि अभी CBI ED अभी कौन कौन खेलेगी, लेकिन इससे न JDU के न इंडिया के गठबंधन के लोग विचलित होंगे, क्योंकि जनता बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता BJP को अच्छी तरह जान गई है कि ये कौन सा खेला खेलने वाले हैं। डर रहे तो आप भी रहे होंगे कि किस चीज़ का हम डर, के क्या चीज़ से डर है भाई। हाँ, जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, एगो करोड़ों अरबों को घोटाला वाले, क्या नाम था उनका पता है ना, कौन
नाम आप बताइए। अरे ना, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, छोटा आए। हाँ, अजीत पवार। क्या हुआ, वो धूत के धोए हुए हैं क्या? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, दूसरे दल में रहे तो करेक्टर ढीला, और आपके दल में बीजेपी में आ जाए तो ये मैं वाशिंग पाउडर से धोया हुआ है। हाँ, अजीत पवार से देखिए ना कितना ही ये, अभी तो काला धन आ गया का, पूछे ना देश के चौकीदार जी से। नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है। किस पर? नीतीश कुमार। अरे नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जी कहीं जाने वाले नहीं। आप लोग गए, मोदी मीडिया का ये सब कमाल है। चलिए, तो हमारे साथ साधु पासवान थे, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।